बियाबान जंगल में है शिव की नगरी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है यह शिव नगरी। देखने वालों का मन मोह लेती है यह शिव नगरी। एक बार यहां आए तो जाने का मन नहीं करेगा। कहते हैं कि इस नगरी का निर्माण तीसरी या चौथी शताब्दी में गुप्त वंश के राजाओं ने कराया था। फिर सातवीं और आठवीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश ने भी इस नगरी को सहेज कर रखा। तो आइए हम बताते हैं शिव की इस नगरी की सात बड़ी विशेषताएं। इस नगरी में शिव मंदिरों का निर्माण वर्गाकार हुआ है, जो देश में कहीं नहीं दिखता है। यहाँ का मुख्य शिवलिंग भी वर्गाकार आकृति का है। बरसात के समय पानी की अविरल जलधारा से शिवलिंग का अभिषेक होता रहता है। वर्तमान में यहाँ 23 मंदिरों की श्रृंखला है, जिनमें एक मंदिर हर सिद्धि माता का है। बाकी मंदिरों में शिवलिंग विराजे हैं। मंदिर नगरी के प्रवेश द्वार पर हनुमान जी विराजमान हैं। हनुमान जी के मंदिर के समीप ही 14 शिवलिंगों का एक समूह शिवलिंग बना हुआ है। मंदिर परिसर के ऊपर पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल तालाब बना है, जिसमें 12 महीने जल बना रहता है। इस तालाब का पानी मंदिर के ऊपर बीच से और नीचे होकर इस तरह निकाला गया है कि इनसे मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इस मंदिर परिसर में एक गुफा है। कहते हैं इसका रास्ता ग्वालियर तक जाता है। पुरातत्व विभाग की जांच से पता चलता है कि यह मंदिर एक प्राचीन शहर का हिस्सा है, जो यहाँ प्राचीन नगरी सभ्यता के आधार पर बसाहट की गवाही देते हैं। तालाब का होना भी सबूत है कि कोई प्राचीन नगर दबा हुआ है। चूंकि यह पर्यटन स्थल जंगल के बीच स्थित है और यहाँ पर पहुँचने का कोई सीधा रास्ता ना होने के कारण यहाँ बहुत ही कम संख्या में पर्यटक आते हैं। यदि आप यहाँ घूमने का मन बना रहे हैं तो हम आपको एक सीधा रास्ता बताते हैं। यदि आप दिल्ली और आगरा से आ रहे हैं तो झांसी मुरैना हाईवे पर भिंड रोड के समीप नरेश्वर गांव है। नरेश्वर गांव के समीप ही नरेश्वर शिव नगरी स्थित है। यदि आप ग्वालियर से आ रहे हैं तो ग्वालियर भिंड रोड पर मिलने वाले झांसी मुरैना हाईवे के समीप मुरैना की ओर 1 किलोमीटर दूरी पर यह नरेश्वर गांव है। नरेश्वर गांव से नरेश्वर मंदिर तक का रास्ता जंगल से होकर जाता है। यदि आप अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो आपको अपना वाहन नरेश्वर मंदिर से 2 किलोमीटर पहले नरेश्वर गांव में छोड़ना पड़ेगा। नरेश्वर गांव के सभी ग्रामीण बहुत मददगार हैं और आपको मंदिर तक पहुंचने में पूरी मदद करेंगे। यदि आप कोई और जानकारी इस दर्शनीय स्थल के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, तथा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम आपको मुरैना के दर्शनीय स्थल के बारे में जानकारी देते रहें।